स्विगी बिजली वाला अगर यहाँ पर आ जाए तो उसकी ऐसी तैसी हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों कैसे आप सब लोग, होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज के ब्लॉग में आप बहुत कुछ देखने वाले हैं। जैसा कि पहले मैं जा रहा हूँ अभी मॉर्निंग के टाइम में खेत पे, और ये देखिए अपन का कोई चीज़ देखती है ना तो उसमें घुस जाने का मन करता है। मतलब इसको हर चीज़ के बारे में जानना होता है, ऐसा इसका रिएक्शन है। अभी तो 2-3 दिन हुआ है ही है, अभी इसको आदत हो जाएगी धीरे धीरे। और अभी मैं जा रहा हूँ खेत पे, तो चलते हैं खेत पे, देखते हैं क्या माहौल है वहाँ पे। और वहाँ से मुझे खेत पे थोड़ा कुछ काम भी है, तो काम भी करूँगा। हमारा खेत, और खेत में एंट्री कर चुके हैं, ये भी साथ में आ गई है। और ये देखिए मक्के की खेती हो गई है हमारे यहाँ, और इधर देखिए ये फसल भी तैयार हो रही है, सब्जियों के भी फसल हो रही है अभी। और वहाँ पे देखिए खेत में जुताई का काम चल रहा है, और ये ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल हमारा जो समरसेबल लगा हुआ है, जो कि यहाँ है। देखिए यहाँ पे यादव जी रहते हैं परमानेंट। और इधर देखिए सब हो चुके हैं, हो रहा है अभी। और इधर भी देखिए पूरा खेत सब में अनाज है, अनाज डाल दिया गया है, और उसमें से पौधे भी निकल आए हैं सब्जियों के, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए किसी का खेत की जुताई चल रही है, और ये बगीचा है बगल में हमारे खेत के चाचा जी का, तो यादव जी वहाँ खड़े हैं। और इधर देखिए पूरी, और ये तो साथ नहीं छोड़ती, हमेशा साथ में जाती है, अगर छोड़ दिया तो रोने लगती, चिल्लाती है, इसकी वजह से साथ लेके चलना पड़ता है। वाह क्या बात है, यादव जी ने तो पूरा काम तमाम कर दिया आज बजड़े का। स्विगी दोस्तों, मैं रिटर्न घर पे आ चुका हूँ। खेत का काम करने के बाद देख सकते हैं पसीना बड़ा भयंकर होता है। मेरे घर पे गाय भी है, इधर बछिया भी है, और ये है बाजरा, और ये है वो मशीन जिसके साथ मिलकर इस मशीन की मदद से मैं निकालने वाला हूँ इस बाजरे का। इसको बोलते हैं गांव में कोयर बोलते हैं, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। तो जिन लोगों ने नहीं सुना उनको मैं बता दूं कि इसको कोयर बोलते हैं बाजड़े का। ये देखिए ये उसका यही बनता है कटने के बाद। तो अभी क्या है दोस्तों, काम ख़त्म करना है, और काम ख़त्म करके मुझे तैयार होना है नहा धोके, क्योंकि अभी कुछ और इम्पोर्टेंट काम बचा है। तो अभी मैं मिलता हूँ आप लोगों से ये काम करने के बाद। बाजड़ा बांधने का प्रोसेस, ये बाजरा बांधने का प्रोसेस था दोस्तों। दो दिन का बाजरा यादव ने एक ही दिन काट दिया, सब करना पड़ा। काम हो चुका है दोस्तों ख़त्म, पसीना पसीना एकदम हो जाता है। गर्मी वैसे बहुत तगड़ी बढ़ गई है, फिर से गर्मी तगड़ी आ गई है। और ये बैठ के इंतज़ार कर रही है कुछ खाने पीने को, अभी इसको देता हूँ। स्विगी स्विगी ये देख, इधर देख, इधर अपना देख ना, देख इसमें इसमें मोबाइल में देख, मोबाइल में मोबाइल में। बहुत प्यारी है, बस भूख के डर आती है, खाती तो बिल्कुल भी नहीं है। घर पे देखिए ये एक्वेरियम भी है जिसमें 9 मछलियां हैं, और 9 मछलियों में 7 जो है गोल्डन फिश हैं,
और ये कलरफुल है, गोल्डन ब्लैक वाइट मिक्स है, और ये थोड़ा ब्लैक है और हल्का हल्का ग्रीन में मिक्स है, देख सकते हैं। और ये मछली नहीं आई, देखिए ये चीज़ अभी नया आया है, पहले वाला जो था वो इधर लगा है, देखिए इसको बंद कर दिया। और ये पत्थर मैंने अपने हाथों से सेट किया है, देख सकते हैं लुक कितना ही बेहतर है। और एक नई चीज़ बताऊँ क्या है, ये देखिए ये है कछुआ, वो देखिए गया सर ऊपर हमेशा रखता है, देख सकते हैं कितना मज़ेदार लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ये कछुआ। और इसके अंदर की सीन देख सकते हैं, मछलियाँ सब एकदम, जब आप सामने खड़े होंगे तो ये सब आके एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, इनको लगता है कि खाने को दे रहा हूँ, इसकी वजह से ये सब सामने एकदम आके फ्रंट पे खड़े हो जाते हैं, देख सकते हैं जैसे कि इस टाइम। और लुक दोस्तों देख ही रहे हैं, कुछ चेंज हुआ है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, पहले से बेहतर। और आप लोगों में से किन लोगों के घर पे है, किन लोगों के घर पे नहीं है, वो लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। और इसमें सबसे अच्छा क्या लगा आपको वो भी कमेंट करिएगा। देखिए कछुआ उधर है, वहाँ पे देखिए पीछे ही घूम रहे हैं वो। बिजली की समस्या के बारे में क्या कहना चाहोगे इस गांव की? इस गांव की बिजली की समस्या के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि बिजली वाला अगर यहाँ पर आ जाए तो उसकी ऐसी की तैसी, बिजली वाला अगर यहाँ पर आ जाए तो उसकी ऐसी की तैसी। तो दोस्तों मैं नहा चुका, फ्रेश हो चुका, बट क्या बताऊँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइट का समस्या जैसा कि अभी शाश्वत ने बताया आप लोगों को कि बिजली का कंडीशन इतना ख़राब है यहाँ पे कि बिजली वाला मिल जाए तो उसकी ऐसी की तैसी हो जाए, ऐसा बच्चों बच्चों के दिमाग में चल रहा है, सोचिए लाइट कितनी ख़राब है। तो लाइट का प्रॉब्लम है दोस्तों, और इसकी वजह से मैं प्रैंक वीडियोज़ भी शूट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बैटरी बहुत कम चल रही है, क्योंकि प्रैंक वीडियो की एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, ब्लॉग वीडियो की एडिटिंग में बहुत कम टाइम लगता है, बस शूट करो अच्छे से और मिक्स करके अपलोड कर सकते हो, इतना कर सकते हो। तो इसकी वजह से दोस्तों प्रैंक वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ, आप समझ ही गए होंगे बात को। और आज की वीडियो बस यहीं तक रहेगी दोस्तों, क्योंकि रूपम की तबीयत ठीक नहीं है तो आज वो ब्लॉग में आ नहीं पाई, नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर आएगी। और मैं आप लोगों से सजेशन चाहता हूँ कि ब्लॉग वीडियो अपलोड करने का टाइम क्या रखूँ, मॉर्निंग में या फिर शाम के टाइम या फिर रात में। मैं सोच रहा था शाम को 6 बजे अपलोड करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सब लोग उस टाइम अवेलेबल होते हैं और सब लोग आराम से देख लेंगे। और प्रैंक वीडियो का टाइम मैं सोच रहा हूँ दिन में जो टाइम है 10 से 11 के बीच का वही रखूँ, लाइव आने का टाइम 3 बजे के बीच में आप लोग जान ही रहे हैं, बाकी शॉर्ट्स का तो जैसा टाइम अच्छा मिलेगा किसी भी टाइम पर कर सकते हैं, वैसे बेसिकली सुबह शाम या फिर आफ्टरनून तीनों टाइम कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना इस वीडियो में, और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को पूरा सपोर्ट करना, बहुत लोगों ने बहुत टाइम से मुझे कमेंट किए थे कि भाई ब्लॉग भी बनाओ, तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कर देना दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर ज़रूर करना, और हाँ सजेशन देना बिल्कुल भी मत भूलना कि किस टाइम पर ब्लॉग वीडियो अपलोड करूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए दोस्तों, बाय बाय।